नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शहर के कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूल आगामी 31 जनवरी तक बंद रहेंगे। प्री बोर्ड की परीक्षा आगामी 20 जनवरी से प्रारंभ की जाना निश्चित किया गया है। उक्त परीक्षाएं होम टेक एग्जाम के रूप में किए जाने के साथ ही स्कूलों में इस प्रकार की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। सभी प्रकार के पारंपरिक और धार्मिक मेले आयोजित नहीं हो पाएंगे, किंतु धार्मिक स्थल खुले रहेंगे। वहीं किसी भी प्रकार के कार्यक्रम हॉल में किए जा सकते हैं जिसमें 50% उपस्थिति तय की गई है। वहीं रैलियां और बड़ी सभा पूरी तरह से प्रतिबंधित की गई है। किसी भी प्रकार की खेल गतिविधि को स्टेडियम की क्षमता के अनुसार 50% संख्या के मान से दर्शक विहीन आयोजित की जा सकेगी। वहीं रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा। कैश मैनेजमेंट की बैठक में उपस्थित कैबिनेट मंत्री डॉ मोहन यादव से बड़नगर विधायक मुरली मोरवार के खिलाफ दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कराने वाली महिला वहां पहुंची और अपनी व्यथा सुनाते हुए बताया कि वो पिछले 3 माह से अधिकारियों के कार्यालय पर चक्कर काट रही है, मगर उसकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। आगे पीड़िता ने बताया कि आरोपी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को कलेक्टर ने जांच में कूट रचित बताया है, किंतु विधायक के द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर थाना प्रभारी बड़नगर पर दबाव बनाकर कूट रचित दस्तावेज तैयार करने के मामले में प्रकरण दर्ज करने से रोका जा रहा है। इस पर कैबिनेट मंत्री ने मामले को संज्ञान में लेकर कार्यवाही कराने की बात कही है। सांसद और कैबिनेट मंत्री जी को शिकायत करी है, क्या है आपकी मांग? देखिए, 3 महीने से मैं आवेदन दे रही हूँ सब जगह पे, तो उसका निष्कर्ष ये निकला था कि कलेक्टर साहब ने जांच करी थी और जांच में पाया गया था कि डॉक्यूमेंट्स पूरी तरीके से फर्जी बनाए गए। करण मोरवाल ने अपने पिताजी का विधायक का दुरुपयोग करते हुए, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए डॉक्टर के साथ मिलकर एक सिविल हॉस्पिटल में दर्शाया गया कि वहाँ पर वो एडमिट थे। अगर वो 13 से 15 वहाँ एडमिट थे तो फिर वो सीसीटीवी फुटेज में और गाड़ी की जो एंट्री इंदौर में, वहाँ कैसे पाए गए फिर? तो इसीलिए ये जांच में पूरी तरीके से रजिस्टर गायब होना, उस तरीके से वो जहाँ पे करण मोरवाल दिखाया गया कि वो भर्ती है, तो उस भर्ती में पाया गया कि वो वहाँ पे कोई और एडमिट था, करण मोरवाल एडमिट नहीं था। मतलब कितने बड़े स्तर पर ये लोग फर्जीवाड़ा कर रहे, देख ले आप। क्या हुआ लगा ये साहब ने और अन्य लोगों ने क्या? देखिए, मैं लास्ट टाइम भी आई थी, मैं एसपी साहब को, एडिशनल एसपी साहब को मैं लगातार 1 महीने से आवेदन दे रही हूँ। इस बारे में मैंने हमारे जो इंदौर के कमिश्नर साहब है, डीआईजी साहब है, इनको भी अवगत करवाया था। वहाँ पे भी मैंने 26/10 को भी आवेदन दिया था कि इन सब तथ्यों पर जाँच होनी चाहिए। तो कलेक्टर साहब ने जाँच करी और उसमें पाया गया कि ये सब फर्जीवाड़ा करा गया है। डॉक्यूमेंट्स के साथ खिलवाड़ करना बहुत बड़ी बात होती, जिसमें एक अपराध पंजीपत होगा। फिर से करण मोरवाल के खिलाफ 420, 468 अन्य धाराएं लग के डॉक्टर भी सह अपराधी बनेंगे उसमें। तो मैं उसके लिए लगातार एसपी साहब से, एडिशनल एसपी साहब से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैं टीआई से भी मिल के आ गई, बड़नगर थाने पे 2 बार जाके आ गई हूँ। ये क्या है ना, अपने पावर का दुरुपयोग कर रहे विधायक। 30 दिसंबर को मैं एसपी साहब के पास आवेदन दे के आई और 31 को विधायक जी आके मिल लेते, विधायक जी फ़ोन लगा देते, तो जांच नहीं हो पा रही है ना, कुछ हो पा रहा है। टीआई ने, जो बड़नगर के टीआई, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सर्टिफाइड कॉपी निकाली, हाई कोर्ट से निकाली, उसके आधार पे वो एफआईआर कर रहे थे, तो उनको फ़ोन लग जाता है एफआईआर मत करो। मतलब ये कानून किस हिसाब से चल रहा है, विधायक के हिसाब से चल रहा है क्या? कौन से डॉक्टर हैं? डॉक्टर स्वामी। एक आवेदन देने आई है, क्या है पूरा मामला? उन्होंने अभी एक रिटर्न में एप्लीकेशन मुझे दिया है और कुछ तथ्य मुझे बताएं, जिसका परीक्षण करा के जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो त्वरित और जल्दी सुनिश्चित कराना है। थैंक यू। हमने सबने कहा जी, महत्वपूर्ण निर्देश आपके द्वारा दिए गए हैं, किस प्रकार की कोरोना वायरस से बचाव के लिए दिए गए हैं? देखो, कोविड को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो इस ढंग से वीसी ली है और कुछ उन्होंने निर्देश नए जारी किए, 31 जनवरी तक स्कूल बंद कर दिए हैं और बाकी आवश्यक सावधानी रखने की बात कही है। मुझे संतोष है कि जिस ढंग से माननीय मुख्यमंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं वो कोविड कंट्रोल करने के लिए लाभदायक होंगे। हम भी उसी परिप्रेक्ष्य में जिले में भी बात कर रहे हैं और उस पर हम लगातार कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। एक पीड़िता आपके पास पहुंची है कुछ शिकायत लेकर, एफआईआर नहीं हुई, क्या है पूरा मामला? देखिए, मैंने कहा कि अगर उनकी बात जायज है, सही है, तो प्रशासन उस पर कार्रवाई करे, क्योंकि गलत बात तो अगर है तो मैंने अभी बताया है, संभवतः अगर जैसा उनने बताया है तो जो भी कानून संबंध होगा जरूर करेंगे।